ग्रीटिंग्स, आई एम डॉक्टर आशीष बंसल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखो दोस्तों, आज मेरा ये पर्पस इस वीडियो का ये है तो आपको ये बताना कि जो कि लेटेस्ट और न्यू अपडेट्स आए हैं और बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स आए हैं ऑन आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो 2.0, जो जॉनसन एंड जॉनसन विजन कंपनी की एक स्पेक्स रिमूवल की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर। डेफिनेटली ये प्रूव करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, लेटेस्ट है और बेटर है देन प्रीवियस टेक्नोलॉजी कॉन्टूरा स्माइल और उससे पहले की टेक्नोलॉजी से। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा एक एम रहा है अपने व्यूअर्स, अपने पेशेंट्स, अपनी पब्लिक को अवेयर कराने के बारे में कि आई जो स्पेक्स रिमूवल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, उनमें क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं और उस पर क्या एक पब्लिश्ड डाटा और एक साइंटिफिक एविडेंट डाटा है जिसको कि आप देख सकते हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो मैं आज आपको फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ वो फैक्ट्स और जो वो न्यूज़ जो है वो बहुत ही ऑथेंटिकेटेड है बाय बहुत ही रिप्यूटेड, उसका जो सोर्स है वो बहुत ही हाई रिप्यूटेड है और वो आप खुद अपनी गूगल पे इंटरनेट पे उसको वेरीफाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम खुद किसी चीज़ को पढ़ते हैं, वेरीफाई करते हैं, तभी हम किसी चीज़ को बिलीव करते हैं। मेरा ये मानना है कि मेरे कुछ कहने से या किसी और के कुछ कहने से कोई भी चीज़ प्रूव नहीं होती। आज की डेट में जो हमारे यंगस्टर्स हैं दे आर सो इंटेलिजेंट, दे आर सो साइंटिफिक एंड मेरे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं और वो खुद हर चीज़ को रिसर्च करके आते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या कुछ भी है। आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो 2.0 जो टेक्नोलॉजी है वो 2018 में FDA अप्रूव हुई थी और इसको कमर्शियली लॉन्च किया था US के अंदर बाय जॉनसन एंड जॉनसन विजन कंपनी, जो कि US की कंपनी है और जिसको मैं कहूँगा कि जो एक वर्ल्ड की मार्केट लीडर है। तो जॉनसन एंड जॉनसन विजन कंपनी को मैं मोबाइल की एक जैसे एप्पल कंपनी है उससे कंपेयर करता हूँ, क्योंकि जैसे हम एप्पल या उसके प्रोडक्ट्स को एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट से बिलीव करते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही सुपीरियर है, इसके जो भी चीज़ ये कैमरा है या कोई भी XYZ इसके फीचर्स हैं दे आर वेरी सिक्योर, सेफ एंड ऑथेंटिकेटेड, वैसे ही जॉनसन एंड जॉनसन विजन का कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो आई केयर में, चाहे वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी यानी कि स्पेक्स रिमूवल में यूज़ हो रहा है या फिर कोई कैटरेक्ट सर्जरी में हम उसके लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड इसके जो प्रोडक्ट्स हैं अपने जो सारे डॉक्टर्स हैं वर्ल्ड ओवर अपने पेशेंट्स के लिए अडॉप्ट करते हैं। इट इज़ अ ग्लोबली प्रेजेंट लीडिंग आई केयर जो कंपनी है। तो यह भी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर मैं कहूँगा कि जो इसका ये ब्रांड जिसने इसको लॉन्च किया हुआ है। बट दूसरी बात जो इसको जो हमेशा से सब लोग अब जानते हैं जो इसको यूनिक बनाती है कि ये फर्स्ट एंड ओनली आज तक की अभी तक की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि फुल्ली USFDA अप्रूव्ड है, जो कि हमारी आईज का एक कंप्लीट ऑफ्थेल्मिक एनालिसिस सिस्टम के ऊपर वर्क करती है, यानी कि ये इतनी हाईली कस्टमाइज है कि हमारी आईज को कंप्लीट मेजर करती है बोथ फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। इनसाइड मेजरमेंट करने के लिए जो एब्रेजन मेजर करने के लिए इसके अंदर बहुत ही हाई इनर मतलब हमारे लेंस या रेटिना के अंदर जो एब्रेजन होती है उसको मेजर करने के लिए इसके अंदर बहुत ही एडवांस्ड हाई डेफिनेशन वेवफ्रंट गाइडेड सेंसर्स हार्टमैन शार्क सेंसर्स हैं और आउटसाइड जो कि हमारा कॉर्निया है जो आउटर सर्फेस ऑफ द आई है उसको मेजर उसकी रेगुलरिटीज़ को मेजर करने के लिए इसके अंदर जो है फुल ग्रेडियंट कंप्लीट टोपोग्राफर है। और ये जो ट्रीटमेंट इसका है वो दोनों को कंबाइन करके इसकी जो है एक यूनिक ट्रीटमेंट बनता है जो कि सबसे हाईली कस्टमाइज्ड है और आज तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी अभी वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है जो कि बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों को मेजर करके ट्रीटमेंट कर पाए और जो कि एक USFDA अप्रूव हो। तो यही इसका सबसे बड़ा यूनिक फीचर है। और इस पर एक दो और डिटेल वीडियोस हैं आई डिज़ाइनर फैक्ट्री जो कि एक ऑफिशियल वीडियो जॉनसन एंड जॉनसन उसके ऊपर और प्लस हमारी एक कंपैरिजन वीडियोस भी है इसके अदर टेक्नोलॉजी से, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा जिसको आप पहले स्टडी करें जो आपके और कुछ डाउट्स को क्लियर करेगी। बट अब हम बात करते हैं जो कि लेटेस्ट फैक्ट्स जो 2023 में अभी आए हैं और जो कि जो फैक्ट्स ये प्रूव करते हैं कि कैसे ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा यूनिक है और जो कि आज तक किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी में अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है और इसके रिजल्ट्स कैसे बेटर हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये जो फैक्ट्स हैं मैं खाली अभी आपको ब्रीफली बता पाऊंगा और इन हर एक फैक्ट के ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो डेडिकेट करूंगा जिसके अंदर हम उस फैक्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे और आपको उनकी मैं इनर डिटेल्स भी बताऊंगा ताकि आप आराम से उस चीज़ को देख पाएँ, क्योंकि अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी।
तो सबसे पहला फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आया है फ्रॉम नासा। नासा जैसे कि हम जानते हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस यूनिवर्स की रिसर्च में लीडिंग है, वर्ल्ड की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हमेशा से इसने ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है स्पेस की रिसर्च के रिगार्डिंग जो कि फर्स्ट, मतलब जो आज तक पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। नासा ने अभी रिसेंटली अपने जो इनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोग्राम है उसमें एक आर्टिकल पब्लिश करके ये बताया है कि जो नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसके अंदर जो मिरर्स यूज़ किए जाते हैं और जो उसके अंदर हाई डेफिनेशन कैमराज और सेंसर यूज़ करे जाते हैं वो आज की डेट में जॉनसन एंड जॉनसन विजन ने वो टेक्नोलॉजी अक्वायर करी है और वो आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो में यूज़ किए जा रहे हैं। दोस्तों ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये दुनिया का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है और इसको अभी बिलियन ऑफ डॉलर से कंपनी जो नासा ने बना के इसको स्पेस में लॉन्च किया और ये कुछ ऐसी इमेजेस अब कैप्चर कर पा रहा है जो आज तक किसी टेलीस्कोप ने कैप्चर नहीं की थी। और उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर यूज़ किए जाने वाले जो मिरर्स हैं, जो कैमरेज हैं, वो इतने हाई क्वालिटी हैं कि वो इतनी फार ऑफ इमेजेस कैप्चर करते हैं स्पेस और गैलेक्सी और ऐसे ऐसे स्टार्स की जो कि पहले पॉसिबल नहीं थी। और यही एक बहुत बड़ी बात है कि इसके जो वही टेक्नोलॉजी जॉनसन एंड जॉनसन विजन ने एक्वायर करके अपने आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो में अवेलेबल कराई है। और अभी ये भी उन्होंने बताया है कि जो आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो है ये अभी आई डॉक्टर्स को 47 कंट्रीज में अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड और आई डिज़ाइन टेक्नोलॉजी से मोर देन 18 मिलियन सक्सेसफुल लेसिक प्रोसीजर्स हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड जो कि जॉनसन एंड जॉनसन ने क्लेम किया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज नंबर है। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हो कि ये कितनी वाइड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है और कैसे ये टेक्नोलॉजी यूनिक है। अब हम बात करते हैं दूसरी जो फैक्ट की। हमारी जो आई केयर की जो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है जिसको, जो कि अमेरिका में होती है रिफ्रैक्टिव सर्जरी की, जिसको कि हम बोलते हैं ASCRS यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, उसकी जो कॉन्फ्रेंस अभी मई 2023 में सैन डियागो US में हुई थी, वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के ऊपर लॉन्ग टर्म डाटा आई डिज़ाइन 2.0 सॉफ्टवेयर पे प्रेजेंट किए गए थे। और ये जो डाटा प्रेजेंट किया था ऑप्टिकल एक्सप्रेस जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेसिक प्रोवाइडर है उनके द्वारा, और उन्होंने ये चीज़ बताया था कि ये जो सॉफ्टवेयर है और ये जो रिजल्ट्स हैं आई डिज़ाइन 2.0 के वो ट्रूली अमेजिंग है और वो जो रिजल्ट्स हैं वो आज तक कभी भी किसी भी पहले उन्होंने ऐसे रिजल्ट्स अचीव नहीं किए और उनके मोर देन 100 क्लिनिक्स हैं वर्ल्ड वाइड इन यूरोप, USA और मेजर कंट्रीज़ में और जहाँ पे सारी जगह आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और दे कंसिडर दिस टेक्नोलॉजी भी टू बी द बेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड। अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्ट के बारे में। दोस्तों अभी एक रिव्यू ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी जो हमारा पब्लिश्ड लिटरेचर होता है उसकी एक रीसेंट पब्लिकेशन में जो कि अभी हमारी आई है दिसंबर 2023 में रिव्यू ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी के अंदर, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो है डिफरेंट कस्टमाइज्ड लेसिक जो आज की डेट में अवेलेबल है, टोपोग्राफी गाइडेड लेसिक और यानी कि जैसे कि कॉन्टूरा विजन बाय एल्कॉन कंपनी, आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो 2.0 बाय जॉनसन एंड जॉनसन विजन कंपनी और उसके अलावा जो एक दो पहले की टेक्नोलॉजी है नेवेक सिस्टम बाय नाइडेक, इन सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसका उन्होंने FDA अप्रूवल्स, उसकी इंडिकेशंस, उसकी सेफ्टी, उसके रिजल्ट्स और किन पेशेंट में कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर है ये सारे पे उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड आज की डेट में दिसंबर 2023 का एक वर्ल्ड का ओपिनियन, एक रिव्यू दिखाया है। और उन्होंने भी ये चीज़ बताई है कि डेफिनेटली कॉन्टूरा एंड आई डिज़ाइन बोथ टेक्नोलॉजी आर वेरी गुड एंड कस्टमाइज टेक्नोलॉजी, बट आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो 2.0 टेक्नोलॉजी जो है वो एक उससे बेटर टेक्नोलॉजी है और जो बहुत मेजर और ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट में इजीली इस्तेमाल की जा सकती है। प्लस इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो इसके अंदर जो नंबर ऑफ पेशेंट्स अचीविंग सुपरविजन है वो भी उससे कहीं ज़्यादा है। तो दोस्तों ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये आप सबको ये चीज़ देख के आप इनको अब हम डिटेल में अलग से स्टडी करेंगे और आप ये देख के बिलीव कर सकते हैं कि डेफिनेटली ये जो टेक्नोलॉजी है आई डिज़ाइन 2.0 आज की डेट में ये जॉनसन एंड जॉनसन विजन की जो कि FDA अप्रूव टेक्नोलॉजी है और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ की जा रही है एंड इट इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ये पहले की टेक्नोलॉजी जो कि कॉन्टूरा विजन और स्माइल उनसे कहीं हद तक बेटर है।
जॉनसन एंड जॉनसन की अभी रिसेंटली इंडिया में एक सिल्क टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, जो कि मैंने अलग से उसको बताया भी है आपको, वो कि एक लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। अभी वो टेक्नोलॉजी US FDA अप्रूव्ड नहीं है। मैं जॉनसन एंड जॉनसन विजन से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। इवन आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो को भी हम अपने हॉस्पिटल इंडिया में वी आर यूजिंग इट फ्रॉम 2019 से हम यूज़ कर रहे हैं, और हमने इसके जो रिजल्ट्स देखे हैं वो ट्रूली अमेजिंग देखे हैं, और पेशेंट की जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज़ एक्सीलेंट। एंड आज की डेट में हम कंटूरा के मुकाबले ये टेक्नोलॉजी मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे अडॉप्ट कर रहे हैं और ऑप्ट करते हैं। इवन फॉरेन से भी पेशेंट आते हैं तो हम जॉनसन एंड जॉनसन विजन टेक्नोलॉजी के लिए। तो उसके बाद मैं ये बात कहूँगा कि जो सिल्क टेक्नोलॉजी है अभी वो लेंटिक्यूल बेस्ड है, अभी वो FDA अप्रूव्ड नहीं है, अभी उसके अंदर जो है कस्टमाइज कोई ट्रीटमेंट नहीं आया, वो कोई भी टोपोग्राफी और वेफ्रन गाइडेड ट्रीटमेंट नहीं कर रही है, और भी उसके कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम अलग से शेयर करेंगे। बट दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दोस्तों क्या होता है कि कोई भी मल्टीपल वीडियोस बनाना या बार बार एक चीज़ पे बहुत सारी वीडियोस बनाने से ये कोई चीज़ प्रूव नहीं हो जाती कि वो चीज़ बेस्ट है। हमें कोई भी चीज़, क्योंकि हम मेडिकल साइंस में कोई भी चीज़ तभी प्रूव कर सकते हैं जब हम कोई एविडेंस बेस्ड कोई बात कहें, क्योंकि वही चीज़ एक मायने रखती है, और वही चीज़ आई वुड से कि एक लोगों का जो है एक कॉन्फिडेंस को विन करती है। फॉरेन में US में ये चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं हम बना सकते, और ना आई डॉक्टर्स के पास ये चीज़ें अलाउड होती हैं। US में जो लोग हैं या वहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो बहुत ही ऑथेंटिकेटेड, और डाटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है, FDA अप्रूव होता है, तभी कोई चीज़ यूज़ हो सकती है। एज़ कम्पेयर टू इंडिया में या कहीं और कंट्रीज़ में कई बार इतनी स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस नहीं है। अभी दूसरी बात ये है कि आई डिज़ाइन जो रिफ्रैक्टिव स्टूडियो 2.0 टेक्नोलॉजी का इंडिया में, क्योंकि ये कोविड के कारण भी इसका जो रिलीज़ था वो काफ़ी लिमिटेड रह गया, और इनका जो इन्होंने ये बहुत ही इंडिया में इन्होंने जो रिलीज़ किया था वो बहुत ही लिमिटेड किया था, ओनली टू दैट सेंटर जो इनका एग्जिस्टिंग एग्जाइमर लेज़र सिस्टम जो यूज़ कर रहे थे, क्योंकि ये उसी के साथ ही यूज़ किया जा सकता था। बट उसके बाद इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो सिल्क मशीन की तरफ ज़्यादा चली गई, तो आज की डेट में इसका जो इंडिया में जो रिलीज़ है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला, ओनली कुछ एग्जिस्टिंग सेंटर्स में ही रहेगा। अगले एक दो साल में आएंगे और सेंटर्स, बट इससे इट डजंट प्रूव कि, और प्लस इंडिया में कंटूरा की इतनी ज़्यादा ओवर मार्केटिंग और डिमांड होने के कारण भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स में कंटूरान में इन्वेस्ट करने के बाद इसमें दे कुडंट अगेन परचेज एंड गो टू दिस प्लेटफॉर्म। बट इट डजंट मीन कि कोई टेक्नोलॉजी अगर वो इंडिया में कम अवेलेबल है तो दैट इज़ नॉट गुड। दिस इज़ वट आई, क्योंकि इट इज़ अ ग्लोबली प्रेजेंट एंड आप इन सारे फैक्ट्स को देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हम अपने हॉस्पिटल में हम जो फॉलो करते हैं वी फॉलो US स्टैंडर्ड्स, और जो कि टेक्नोलॉजी US में और सारी जगह, क्योंकि सारा वर्ल्ड जो है वो वहीं से जो टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड ओवर प्रूव होकर अडॉप्ट होती है वही हम वर्ल्ड अप्रूव करता है और फॉलो करता है। तो दोस्तों इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं, हम इसके FDA अप्रूवल को रिलेटेड भी हम आपको सारी डिटेल में एक बार क्लियर करेंगे कि इसका FDA अप्रूवल ये किन किन चीज़ों के लिए FDA अप्रूव्ड है। जो भी आज की डेट में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि अगर हम कंटूरा वर्सेस आई डिज़ाइन की बात करें, कि जो आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हाइपरओपिया या प्लस पावर के लिए भी FDA अप्रूव्ड है, और मायोपिया में -11 पावर तक अप्रूव्ड है, वर्सेज जो कंटूरा है इट इज़ ओनली अप्रूव्ड अप टिल -9 डायोप्टर्स इन मायोपिया, एंड हाइपरओपिया के लिए कंटूरा इज़ नॉट अप्रूव्ड, और वर्सेज और प्लस इट इज़ द ओनली टेक्नोलॉजी जो कि अबव 40 ईयर्स के लिए जिन लोगों को दूर और पास यानी कि प्रेस बायोपिक मायोप्स है उनके लिए भी US FDA अप्रूव्ड है, जो कि अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी अप्रूव नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो दोस्तों इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।